नमस्कार, मैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं बनारस का माहौल, 80 घाट। सबसे पहले गंगा का दर्शन ही कर लीजिए और उसके बाद आगे का क्या माहौल है सुशांत सिंह राजपूत अपडेट में, ये भी आपको हम जरूर बताएंगे। जी हाँ, अब मेरे बाएं तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के लिए हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। घंटों से फिलहाल अभी बंद है क्योंकि एक शुभ समय है और उस अशुभ समय में फिर से पंडित जी जो है शुरू करेंगे। थोड़ा नज़दीक आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप तस्वीरें देखें सुशांत सिंह राजपूत की और जिस तरीके से विस्तृत रिपोर्ट आई है, क्या कुछ कहना। लोग ये कहते हैं सुसाइड है, लेकिन फैंस मानने तैयार नहीं है न्याय की डिमांड। दूसरी तरफ दुनिया भर के पोस्टर कटआउट, जस्टिस फॉर सुशांत, सुशांत की हत्या किया गया है। दिशा सालियान हत्या के साथ सुशांत का हत्या जुड़ा है। अर्नब गोस्वामी, पूरा भारत आपके साथ है। इस तरीके से एक न्यूज़ चैनल है जिनका समर्थन करते हुए लोग, और खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की डिमांड कर रहे हैं और पूजा पाठ शुरू से ही चल रहा है। आइए कुछ हैं यहाँ से बात करते हैं। क्या सर, कहाँ से हैं? मैं यही बनारस का ही हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर पूजा पाठ में आप जुड़ गए हैं, क्या कुछ चल रहा है सुशांत को लेकर, क्या कहेंगे सर? ये एक तरह से राष्ट्रीय मुहिम बन गई है हमारी, जैसा सभी लोग जानते हैं, और आर रिपब्लिक भारत ने इस को। आप कहाँ से आइए जी? हम लंका नगवा से आए। लंका नगवा से आए। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत को लेके क्या लग रहा है आपको? सुसाइड है, मर्डर है, अभी आप खुश हैं क्या विसरा रिपोर्ट से? नहीं, ये क्लियरली मर्डर है और सुधीर गुप्ता को अपने आप को ऐसा टर्न आउट नहीं करना चाहिए था। उनको अगर उन्होंने सच कहा था तो उन्हें आज भी सच ही कहना चाहिए था। सुधीर गुप्ता एक बहुत झूठा इंसान है, उन्होंने सुशांत को धोखा दिया है। ओके मैम, कहाँ से आई हैं आप? साथ में क्या कहना चाहेंगी बताइए। जिसको मारा गया बस ये हम लोग को न्याय चाहिए सुशांत के। ओके, न्याय की डिमांड। यहाँ पर देखिए काफी लोग भी बनारस के कोने गली से पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या भाई साहब, कहाँ से हैं? बनारस से हूं और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं आया हूँ। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं, जैसी फिल्मों में हीरो बनते हैं, जो आई है सुसाइड है, मर्डर क्या है, ये सब बकवास है। ये सब सिर्फ केस को दबाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है? तो वो लोग का जो पहुंच है दिल्ली तक है, तो वो लोग पूरा दांव पेच खेल रहे हैं कि ये केस किसी तरह दबा दिया जाए। लेकिन हम लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैन है, ऐसा होने नहीं देंगे। और ये जो बॉलीवुड के सितारे जो है केस कर रहे हैं आर रिपब्लिक पे, ये लोग उस समय कहाँ थे जब फांसी भी लटका के मतलब इसको मार दिया गया। मीडिया का एक न्यूज़ चैनल जो लगातार शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को बहुत बड़े लेवल पर उठाते आया है और अब उनके समर्थन। क्या जी, कहाँ से आए आप? मैं यही बनारस का ही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि जो संदीप सिंह है वो सबसे बड़ा संदिग्ध है, उसकी जांच पहले की जाए और उनके जो सारे दोस्त हैं जैसे कि नीरज हुआ, केशव हुआ, उन लोगों की जांच की जाए। उन लोग खुलेआम घूम रहे हैं, सबसे बड़ा जो उन लोग घर पे थे उन्हीं लोग थे, और सुशांत सिंह मौत के दिन उन्हीं लोग ने मर्डर किया है और झूठ का एक केस दूसरे तरीके से कराया जा रहा है। जैसे एनसीबी जो है अलग तरीके से जाँच कर रही है, ये सब केस को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि सुशांत सिंह का मौत हुआ है तो किस किस वजह से हुआ है। उनकी साफ मर्डर है, एक क्लियर मर्डर है। उनके जो गले पे निशान था वो एकदम सीधा पटा था। जब अगर कोई सुसाइड करता है, हैंगिंग होता है, तो उसके गले पे जो नेक का होगा वो सीधे ऊपर की हो जाएगा। बहुत सारे एविडेंस है जो सीबीआई भी कुछ क्लियर नहीं कर रही है। 4 महीने से केस चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्या जी, कहाँ से आए हैं? सर गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? जी ये कहना कि सुशांत सर को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिले। यस सर, सज्जन इंसान, सिर्फ एक डिमांड, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। जी हाँ, और इसी डिमांड के साथ इस वीडियो का समापन। आपके सवाल का इंतजार होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जवाब आपके पास जल्दी लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिर एक बार जाते जाते समापन उस दृश्य के साथ जो एक बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त बनारस में शुरू। बने रहे हमारे साथ।